हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। तो चलिए, आज का सेशन जो होगा हमारा वो साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैम ऑफ RBC। चलिए जल्दी से बताइए कि RBC का लाइफ स्पैम क्या होता है, कितने दिन का होता है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 130 डेज, सेकेंड है 110 डेज, थर्ड है 100 डेज और लास्ट है 120 डेज। तो कौन सा हमारा राइट होगा। तो चलिए, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 120 डेज। जो हमारा RBC होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। हम लोगों ने जानते हैं कि हम लोग कि जो मनुष्य है ह्यूमन बॉडी में कितने सारे प्रकार के ब्लड होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक RBC एक WBC। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। WBC का क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के रिब्स होते हैं। तो कितने होते हैं, 23 होते हैं या 24 होते हैं या 25 होते हैं या 22 होते हैं। जल्दी से कमेंट में बताते चलिएगा। हाँ, कमेंट में कैसे बताना है कि फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का बी होगा, ऐसे करके। हाँ, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 24। कितना होगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स होते हैं वो ऐसे, जो ऑप्शन है हमारा वो ऐसे भी रह सकता था, कैसे कि 12 पेयर, या तो 24, जैसे भी हो वो आप लोग ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। दुनिया का कौन सा ऐसा बर्ड है जो स्मॉलेस्ट है भी और उड़ नहीं सकती, तो कौन सा बर्ड है। जल्दी बताइएगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, राइट हो जाएगा कीवी। ये हमारा जो है कीवी, वो स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। बता दो, कीवी जो है वो न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है, न्यूजीलैंड की, नेशनल बर्ड भी कहा जाता है न्यूजीलैंड का शायद। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्या होगा, विच इज़ द वर्टिब्रेट दैट हैज़ टू चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है जिसका चैम्बर दो होते हैं, क्या कहाँ पे, हार्ट में। हार्ट में कितने प्रकार का चैम्बर होते हैं, दो प्रकार का होता है, वो कौन सा वर्टिब्रेट है। बता दो, हम लोगों के शरीर में कितने प्रकार का होता है, वो चार होता है ना। हम लोगों के हार्ट का चैम्बर कितना होता है, चार होता है। तो इनमें से कौन सा है जिसके हार्ट का चैम्बर होता है कितना, दो होता है। तो कौन सा वर्टिब्रेट है, फिश है कि स्नेक है कि ब्लू व्हेल है कि क्रोकोडाइल है, कौन सा होगा। हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फिश हो जाएगा। किसके शरीर में दो चैम्बर रहते हैं हार्ट में, तो वो फिश के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैम ऑफ WBC। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कर रखा था कि RBC का लाइफ स्पैम कितना होता है। तो अब बताइए आपकी WBC का लाइफ स्पैम कितना होता है। RBC का कितना था, 120 डेज। WBC का कितना होता है, तो वो होता है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा हमारा, लेकिन ये जो 15 है यहाँ पे होगा 4 डेज। 2 to 4 डेज होते हैं, कितने होते हैं, 2 से 4 दिन ही होते हैं WBC का, वाइट ब्लड सेल का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देर आर ब्लैंक्स नंबर्स ऑफ मसल्स इन वुमन। हमारे शरीर में कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, कितने सारे मसल्स होते हैं, 638, 640, 639, 637, कौन सा राइट होगा। आप सभी क्वेश्चन को करते जाओ, हाँ, और लास्ट में मेरे को बताना है कि कितने सारे आंसर आपके सही हुए। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो 639 होगा। कितना होगा, 639 होगा। देर आर 639 नंबर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट सेल, इनमें से कौन सा सेल है जो लार्जेस्ट सेल है हमारे शरीर का, कौन सा सेल है? हाँ तो कौन सा सेल है वो? वो हमारा नर्व सेल है। हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ रखा था कि नर्वस सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? नर्व सेल होता है ना? जो क्या करता है, इसका काम क्या होता है, शरीर के किसी भी कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो हमारे माइंड तक पहुंचाता है ना। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल है? यहाँ पे आपको ऑप्शन वो नहीं दिख रहा है ना, नर्व सेल, तो ध्यान से। हाँ तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओब्यूम हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ, लाइफ का फिजिकल फेज क्या होता है? यहाँ पे कॉल्ड नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ, लाइफ का फिजिकल फेज क्या कहलाता है? हाँ तो क्या कहलाता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लाइफ के फिजिकल फेज को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन एज इंटायर लाइफ, अपने लाइफ में कभी नहीं पानी पीता है, वो कौन सा जानवर है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंगारू रेट हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी मार सकते थे ना, कि नहीं अगर बच जान रहे हो तो रेट तो होगा नहीं, कंगारू तो होगा नहीं, तो शायद यही हो सकता क्योंकि यही सबसे अजीब है, कंगारू रेट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला ऑप्शन जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर ग्लैंड, हम लोगों के शरीर में एक ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, वो कौन सा ग्लैंड है? इन सभी में ग्लैंड भी होगा, ठीक है, ये होगा, तो वो कौन सा ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड, बताइए जल्दी से कौन सा ग्लैंड होगा। हाँ तो कौन सा होगा वो? पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्मोन्स जो हमारे शरीर में होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, कौन से ग्लैंड से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वो कौन सा ग्लैंड है हमारे शरीर का जहाँ से हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं? वो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सीरोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है? सीरोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉस्किटो, सेकंड स्नेक, लिजार्ड, क्रोको कॉकरोच, कॉकरोच, किसका स्टडी किया जाता है सीरोलॉजी में? जल्दी सोचिए, तो वो किसका किया जाता है? लिजार्ड का किया जाता है, लिजार्ड इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH, ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH? हाँ तो वो क्या होता है हमारा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर उनसे ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, उससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर माना जाता है, किसके बीच में हमारा ब्लड शुगर रहना चाहिए? 80 to 120, 70 to 120, 90 to 120, 60 to 120, किसके बीच रहना चाहिए जल्दी बताइए।
तो वो रहना चाहिए 80 to 120 के बीच। अगर 120 से आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर है तो आपका हाई ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, बट अगर 80 से कम है तो लो माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड विसल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ब्लड विसल कौन सा है? हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ब्लड विसल कौन सा है? सबके माइंड में कोरोना चल रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एओर्टा। एओर्टा एओर्टा वेसल जो रहता है वो ब्लड हमारे शरीर में लार्जेस्ट ब्लड वेसल है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इन प्योर ब्लड। इनमें से किस में प्योर ब्लड कैरी किया जाता है? हमारे शरीर में दो ठो ब्लड होता है, एक प्योर एक अनप्योर। देन प्योर ब्लड किस में कैरी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा? प्लूमेनरी, सॉरी ऑप्शन ए होगा, प्लूमेनरी आर्टरी होगा। क्या होगा? प्लूमेनरी आर्टरी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हु हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। कौन है जो हार्ट का पहली बार ट्रांसप्लांट किया था? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने हार्ट का ट्रांसप्लांट पहली बार किया था? कौन है वो? डॉक्टर वेणुगोपाल है, कि विलियम हार्वे है, कि क्रिश्चियन बेनार्ड है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन है वो? हमारा क्रिश्चियन बेनार्ड है। कौन से हैं? क्रिश्चियन बेनार्ड, जिसने क्या किया हुआ था, पहली बार दुनिया में हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ था, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलाट्रॉप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा हमारा जो होगा कार्बन का एलाट्रॉप नहीं होगा? कितने बार क्लास में बताया गया ये क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। कार्बन का एलाट्रॉप जो होगा वो कौन नहीं होगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एलाट्रॉफ ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट तो कार्बन का एलाट्रॉफ है, डायमंड भी है, ग्लास हमारा नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्लास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट में भी बताया था, तो क्या करना है, इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले बार जो हमारा वीडियो आएगा इस टाइप का वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।